एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि RTLSDR डिवाइस और Raspberry Pi 3 की मदद से SDR सर्वर कैसे बनाया जा सकता है, जिससे आप कहीं भी अपने कंप्यूटर पर RTLSDR डिवाइस को कनेक्ट किए बिना SDR क्लाइंट की मदद से SDR सर्वर से डाटा को रिसीव कर पाएंगे। Raspberry Pi 3 से SDR सर्वर बनाने का क्या फ़ायदा है, ये भी हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं TechChip YouTube चैनल। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब मैंने पहले भी बताया हुआ है। आपने मेरे पिछले RTLSDR डिवाइस के वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि RTLSDR डिवाइस की मदद से कैसे किसी एरिया में मौजूद मोबाइल फ़ोन के IMSI नंबर्स और GSM इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जा सकता है। ATC फायर रेल रेडियो की बातें सुनी जा सकती हैं, एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन कैप्चर की जा सकती है, FM रेडियोज़ को ट्यून किया जा सकता है। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि Raspberry Pi 3 और RTLSDR डिवाइस की मदद से SDR सर्वर कैसे बनाया जा सकता है, जिसे आप ऐसी जगह फिट कर सकते हैं जहाँ सिग्नल सही आते हों, जिसके द्वारा अपने होम नेटवर्क से रिमोट PC पर डाटा सेंड किया जा सकता है। मतलब आप अपने कंप्यूटर पर बिना RTLSDR डिवाइस को कनेक्ट किए SDR सर्वर से डेटा रिसीव कर सकते हैं। इसकी मदद से रेडियो FM को ट्यून कर सकते हैं, किसी स्पेशल फ्रिक्वेंसी से डाटा रिसीव कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इससे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर में हमें चाहिए Raspberry Pi 3, मेरे पास ये मॉडल B है, आप यहाँ पर B या B+ मॉडल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाई स्पीड माइक्रो SD कार्ड अडेप्टर या USB कार्ड रीडर के साथ RTLSDR डिवाइस, इसको आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दो डिवाइस हैं, तो जैसा भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। सेटअप के लिए इथरनेट केबल और माइक्रो USB केबल पावर सप्लाई के लिए। सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए Raspbian OS, आप इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से टोरेंट या जिप फाइल के द्वारा अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा HR सॉफ्टवेयर, Raspbian OS इमेज को माइक्रो SD कार्ड में फ्लैश करने के लिए। इसके अलावा IP स्कैनर Raspberry Pi 3 के IP को फाइंड करने के लिए। तो आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने इनको यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर मैं मैक OS का प्रयोग ले रहा हूँ, आप इसको ठीक विंडोज़ के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही है। वैसे मैंने विंडोज़ के लिए भी अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम Raspbian OS को HR सॉफ्टवेयर की मदद से अपने माइक्रो SD कार्ड के अंदर फ्लैश करेंगे। तो अपने माइक्रो SD कार्ड को कार्ड रीडर की मदद से अपने सिस्टम के अंदर प्लग कर लीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए HR सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद सेलेक्ट कीजिए अपने OS की इमेज, तो मैं यहाँ पर इस Raspbian OS इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए अपने माइक्रो SD कार्ड की ड्राइव, ये यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे फ्लैश पर, उसके बाद ये Raspbian OS की इमेज हमारे माइक्रो SD कार्ड के अंदर फ्लैश हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये Raspbian OS की इमेज हमारे माइक्रो SD कार्ड के अंदर फ्लैश हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर SSH का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा SSH कनेक्शन के लिए, जो कि काफ़ी आसान है। बस इसके लिए आपको बूट पार्टीशन के अंदर SSH नाम से फाइल बनानी होगी, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। तो यदि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप नोटपैड या कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से SSH फाइल बना सकते हैं। लिनक्स और मैक OS के लिए आप बूट पार्टीशन के अंदर टर्मिनल ओपन कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे touch SSH, तो यहाँ पर SSH नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे माइक्रो SD कार्ड के बूट पार्टीशन के अंदर SSH नाम से फाइल बन चुकी है। अब इसके बाद इस कार्ड को अपने सिस्टम से अनप्लग करके Raspberry Pi के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए और Raspberry Pi को इथरनेट केबल की मदद से अपने राउटर से कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद Raspberry Pi के अंदर पावर दे दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही Raspberry Pi बूट होगा तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर उसको एक IPV असाइन हो जाएगी, आप इस IP को किसी IP स्कैनर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने IP स्कैनर ओपन किया, मैंने अपने नेटवर्क की रेंज सेलेक्ट कर ली और क्लिक किया स्टार्ट पर। तो यहाँ पर हमें अपने Raspberry Pi की IP मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पर हमें IP मिल चुकी है। अब इसका प्रयोग हम SSH कनेक्शन बनाने के लिए ले सकते हैं। मैंने इस IP को कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने ओपन किया टर्मिनल और यहाँ पर मैंने कमांड लगाया SSH pi@ और जो मैंने IP कॉपी की थी वो IP मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। एंटर प्रेस करेंगे, इसको यस कर दीजिए। यहाँ पर अपने पाई यूज़र का पासवर्ड टाइप कीजिए, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है Raspberry।
स्मॉल के अंदर। ये देखिए अभी हम यहाँ पर अपने रेस्पबेरी पाई से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर RTLSDR का सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर RTLSDR सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए कमांड लगा दीजिए sudo apt install RTL-SDR, इसको मैंने यस कर दिया। उसके बाद ये RTLSDR सॉफ्टवेयर हमारे रेस्पबेरी पाई के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद RTLSDR डिवाइस को रेस्पबेरी पाई 3 से कनेक्ट कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर SDR सर्वर बना सकते हैं, तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैंने कमांड लगाया RTL_TCP-A और हमारे रेस्पबेरी पाई की IP, जो मैंने IP कॉपी की हुई है उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर SDR सर्वर स्टार्ट हो चुका है। आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे सर्वर की IP है और ये हमारा पोर्ट नंबर है। अब इस IP और पोर्ट नंबर की मदद से किसी SDR क्लाइंट सॉफ्टवेयर से इस सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपने macOS के अंदर सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, GQRX। यदि आप macOS और लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर GQRX सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर SDR शार्प सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस को सेट करेंगे। ये मैंने इनपुट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ओपन किया और डिवाइस स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैंने ओके कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैंने स्टार्ट किया और ये देखिए यहाँ पर SDR सर्वर से डाटा रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आप SDR सर्वर के अंदर लॉग देख सकते हैं। यहाँ पर सर्वर स्टार्ट है। अभी आप यहाँ पर कोई भी रेडियो या FM को ट्यून कर सकते हैं, किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी से डाटा को रिसीव कर सकते हैं। अब आपको अपने सिस्टम के अंदर SDR डोंगल को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको अपने लोकल नेटवर्क पर ही नहीं अपने नेटवर्क से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। बस के लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर सेटिंग्स करनी होंगी, जैसे कि आपको 1234 पोर्ट को फॉरवर्ड करना होगा, रेस्पबेरी पाई की IP को स्टैटिक करना होगा। इसके अलावा आपको पब्लिक स्टैटिक IP की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद आप इसको अपने नेटवर्क से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ कम से कम 2 Mbps की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर डेटा को सही तरह से रिसीव कर पाएंगे। यदि बैंडविड्थ कम होगी तो ये सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, तो आपको यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से यहाँ पर रेस्पबेरी पाई 3 और RTLSDR डिवाइस की मदद से SDR सर्वर बना सकते हैं। वैसे तो आप SDR सर्वर अपने सिस्टम से भी बना सकते हैं। रेस्पबेरी पाई 3 से SDR सर्वर बनाने का फ़ायदा ये है, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। इसमें वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको इथरनेट केबल से ही कनेक्ट करें, आप यहाँ पर वाईफाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक डेडिकेटेड सर्वर बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पर अपने सिस्टम का यूज़ करते हैं तो आपका सिस्टम बिजी हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका ऑटो स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, कि जैसे ही आपका रेस्पबेरी पाई बूट हो तो यहाँ पर SDR सर्वर भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट करनी होगी। इसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo nano और हम यहाँ पर सर्विस को क्रिएट करेंगे etc के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर। और आप यहाँ पर अपनी सर्विस का नाम दे दीजिए। आप यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने नाम डाल दिया RTLSDR.service। अब इसमें आप ये सारी कमांड पेस्ट कर दीजिए। ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को सेव करके बंद कर दीजिए। यहाँ पर हमारी सर्विस फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्विस को रीलोड करेंगे। इसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo systemctl-daemon-reload। तो यहाँ पर ये रीलोड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo service RTLSDR start। यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। हम इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्विस एक्टिव है। अभी हम इसको ऑटो स्टार्टअप के लिए इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo systemctl enable और हमारी सर्विस का नाम RTLSDR। एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी आप इसको रीबूट करके टेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको अपने दूसरे सिस्टम से SDR क्लाइंट की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए
Wish you all the very best. Thanks for watching. See you soon and goodbye.